हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करें। ठीक है, कैसे अकाउंट डिलीट करना है, जो भी हमारा अकाउंट हमारे पास है फेसबुक का, वो ईमेल आईडी फेसबुक की जो है, जो भी आईडी है वो कैसे डिलीट करें, क्योंकि अभी तो अपडेट आ चुका है, मेटा वर्जन हो चुका है हमारा फेसबुक। तो यहाँ पर साइड में स्क्रीन को कर देता हूँ चालू और मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ कि फेसबुक अकाउंट आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन चल रही है, तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे आ जाता हूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। जो ये हमारी फेसबुक प्रोफाइल है, इसको हम लोग डिलीट करके दिखाएंगे, और आप भी अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, ये थ्री डॉट पे आ जाना है आप लोगों को। यहाँ पे जो थ्री डॉट है, इस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद चाहे तो ये वाली सेटिंग पे क्लिक करके आप भी आ सकते हैं, और चाहे तो आप लोग नीचे भी सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे भी क्लिक करके आप लोग आ सकते हो अंदर। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो पहले क्या होता था कि जब हमको अकाउंट डिलीट करना होता था तो यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल करते थे, यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे, और यहाँ पे हमें जो है अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता था नीचे की साइड पे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ से ऑप्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा डिलीट करने का, यहाँ पे सिस्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले अभी जब अभी मेटा वर्जन आ गया ना, तो ये सारे अपडेट जो है चेंज हो चुके हैं, तो नॉर्मल आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे देखना है आप लोगों को, ये जो पहले नंबर पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है, सी मोर इन अकाउंट सेंटर, यहाँ पे क्लिक करना है नीचे साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये कुछ ऐसा सिस्टम आएगा यहाँ पे, जो भी आपकी प्रोफाइल होगी वो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो करेगी। अब यहाँ से आप मैं दोनों अकाउंट को भी डिलीट कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम को भी यहीं से डिलीट कर सकता हूँ, और फेसबुक को भी यहीं से डिलीट कर सकता हूँ। दोनों अकाउंट को यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरे दोनों ऐड हैं, अकाउंट यहीं से ऐड हैं, तो उसके लिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की साइड पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल पे आप लोग क्लिक करेंगे ना, इसी के अंदर, अब आप लोग ध्यान से देखो, इसी के अंदर आप लोगों को अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ जो देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं से हम लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, और यहीं से डिलीट करने का हमें सिस्टम भी मिलेगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल के अंदर जाना है, ध्यान से देखना आप लोग, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा देता हूँ, और यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हैं। नीचे की साइड पे क्या लिखा है, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, यहीं पे मेन सिस्टम है, यहीं से आप लोगों का अकाउंट डिलीट होएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले तो छोड़ दो, आप लोग ऊपर वाला छोड़ दो, इस पे कोई काम नहीं है। नीचे वाले में क्या लिखा है आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, टेम्परेरली एंड डीएक्टिवेटेड, परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इस अकाउंट को या तो आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप लोग देखो, अब मुझे फेसबुक का करना है, तो मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है डीएक्टिवेट करना है, मतलब टेम्परेली थोड़ा सा, थोड़े बहुत दिनों के लिए हमें डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। लेकिन आप लोगों को तो अकाउंट डिलीट करना है ना, आप लोगों को अकाउंट डिलीट करना है, तो अकाउंट डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ये शो कर देगा डिलीट अकाउंट, तो ये जो ब्लू टिक है ऊपर की साइड पे, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे कंटिन्यू।
तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक रीज़न देना पड़ेगा फेसबुक को कि ये अकाउंट हम क्यों डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा है आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है फेसबुक में खर्च हो जाता है। तो ये ही मैं दे देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक कोई सा भी एक जो है कारण दे सकते हैं कि मैं इस वजह से डिलीट करना चाहता हूँ अपना अकाउंट। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर पे ब्लू टिक करूँगा और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने जो नोटिफिकेशन लिखा है टाइम स्पेंड की वजह से मैं जो है फेसबुक डिलीट कर रहा हूँ अपना अकाउंट, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है डीएक्टिवेट अकाउंट, टेम्परली जो है आप लोग इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं हमको तो भाई पूरा डिलीट करना है। तो उसके लिए नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमको क्या सिस्टम दिया हुआ है ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लोग अकाउंट डिलीट करने के पहले फेसबुक आप लोगों को बोलता है कि जो भी आपकी पोस्ट हैं, रील हैं, फ़ोटो हैं, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा है यू हैव 380 फोटो 177 पोस्ट, मेरे मोबाइल पे 380 फ़ोटो और 177 पोस्ट पड़ी हुई हैं, तो इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब डाउनलोड कर सकता हूँ, सॉरी। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा तो ये मेरी जो भी मुझे फ़ोटो या पोस्ट हैं यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र का भी सिस्टम है, और उसके बाद लेकिन हमें ये सब कुछ करना नहीं है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं सामग्री जो भी फ़ोटो या रील है तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे हम लोगों को क्लिक कर देना है, तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाएगी बारी अगला पासवर्ड देने की, ठीक है। तो यहाँ से पासवर्ड दोगे और कंटिन्यू कर दोगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं तो फिर कोई भी डिलीट कर लेगा ऐसे, तो आपका अकाउंट, अगर आपका अकाउंट डिलीट करना है तो आपको ही आपका पासवर्ड पता होएगा फेसबुक का। और आपका अगर पता नहीं है फेसबुक का पासवर्ड क्या है तो ये देखो ऊपर के साइड पे आई कार्ड में मैं लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखो जाके। और आप चाहे कितना भी अकाउंट पुराना हो, आप अपना अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हैं, फेसबुक का हो चाहे इंस्टाग्राम का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, पासवर्ड पता कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा और मेरा अकाउंट धड़ाम से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी जो है अगर अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और हाँ, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि फेसबुक का पासवर्ड कैसे निकालें हमारे पास फेसबुक पर, तो ये वीडियो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।